नमस्कार, आप देख रहे हो वैसे न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिव्यंग शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि भाजपाई आजकल मेरी आस्था और विश्वास की ज्यादा चिंता करते हैं, नए नए शब्द गढ़ रहे हैं, चुनावी पूजा, चुनावी भक्ति, पॉलिटिकल पाखंड और कमलनाथ का तिलिस्मी तोड़ने का दम भर रहे हैं। भाजपाइयों दिलो दिमाग में कमलनाथ के अलावा कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा कि सरकार उनके नुमाइंदे और भाजपाई मेरा नाम जपना छोड़ के जनता का नाम जपे, जनता की भक्ति करे, देश में जनता ही जनार्दन है। कमलनाथ ने कहा कि जनता के हित में भाजपाई सरकार से अनुरोध है कि महंगाई की तिलस्मित तोड़े, बेरोजगारी का तिलस्मित तोड़े, भ्रष्टाचार का तिलस्मित तोड़े, भर्ती घोटाले का तिलस्मित तोड़े, 50% कमीशन का तिलस्मित तोड़े, महिला अपराध का तिलस्मित तोड़े। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ फैमिली के साथ।